जनपद शाहजहांपुर में रामगंगा का कटान रोकने के लिए भूख हड़ताल लगातार तीसरे दिन भी जारी है। परौर में प्राचीन मंदिर बाबा ब्रह्मदेव महाराज के स्थान पर रामगंगा का कटान रोकने के लिए भूख हड़ताल में तीसरे दिन भी भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि हर वर्ष में दो बार गंगा आती है और लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जब तक रामगंगा का कटान रोकने के लिए व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़ताल अनशन के तीसरे दिन तहसीलदार और कलान के डॉक्टर हरेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर दिनेश ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। भूख हड़ताल पर बैठे अवधेश शुक्ला, रवि कुमार पाल सिंह, सुवालाल सिंह, अजीत कुमार तथा अन्य लोगों का कहना है कि जब तक रामगंगा कटान से मुक्त नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए रवि यादव की रिपोर्ट। मैं यहाँ पे परौर में आया हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव के पास में, और मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप कब से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं? 11 तारीख से। आपने सर जो है क्या जो है विज्ञापन अधिकारी लोगों के पास नहीं भेजा अभी तक? मुख्यमंत्री जी के पास भेजा है, जिलाधिकारी महोदय के पास भेजा है। अभी तक कोई शासन का अधिकारी नहीं आया? कब आए थे? आप लोग भूख हड़ताल पे कब तक बैठेंगे? अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जब तक हमारा काम नहीं होगा। धरना है यहाँ पे, जो भैया जी ने हमारा कहा था हकीकत में ये आत्मदाह के लिए। जय हिंद। गजब।